नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए चाय के साथ खाया जाने वाला परफेक्ट स्नैक बनाने वाली हूँ, जिसका नाम है खस्ता ट्विस्टीज मठरी। और दोस्तों, ये मठरी बनेगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और वो भी आपके किचन में, और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खस्ता ट्विस्टीज मठरी। और इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप मैदा, और ये 400 ग्राम है लगभग, और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन, इसे मैं हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी, इससे मठरियों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये मैंने अजवाइन डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, और आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी। इसे हम अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। ये मैंने मेथी डाल दी है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से सभी मसालों को इस मैदा में मिक्स कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें मोयन, इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है तेल को। ये 60 ml तेल है, जिसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसको डालते से कितने बबल बन रहे हैं, यानी ये तेल बहुत गर्म है। हमें इसमें इतना ही गर्म मोयन डालना है, और इसको चम्मच की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये जब हम इसको बाइंड कर रहे हैं तो ये देखिए, मैदा बहुत अच्छे से बाइंड हो रही है। इसका मतलब ये परफेक्ट मोयन है। इससे इतना ही मोयन हमें इसमें डालना है। और अब हम पानी डालेंगे, पानी हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है, और इसका एक पूड़ी जैसा सख्त डो हमें तैयार करना है। डो को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया है। पानी भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया था, उसे हमें गर्म नहीं करना है। ये हमने देखिए डो को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। ये मैं इसको और स्मूथ करूँगी, इसे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। और अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं आटे को। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लूँगी। और अब हम इसके 3 बराबर भाग कर लेंगे। ये मैंने देखिए 3 बराबर लोई कर ली हैं, और इसको हम अच्छी तरह से होल बनाते हुए ये पेड़े जैसी बना लेंगे। ये देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया है। और अब चलिए इसे हम बेलते हैं। इसे हमें बेलते समय ध्यान रखना है कि हाथों से अच्छी तरह से फैला लें, और यदि इसकी किनारियां फट रही हो तो हाथों से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम इसे बेलेंगे। इसको हमें बहुत पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। ये देखिए, मैंने इसका एक रोटी जैसा गोल बेल लिया है। और अब हम इसको चाकू की सहायता से लंबा लंबा काटेंगे। इस भाग को मैंने निकाल दिया है, और अब एक बराबर लंबा लंबा काट लेंगे। ये देखिए, इतना ही हमें इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको लंबा लंबा काट लिया है, और हम वहाँ लास्ट का हिस्सा भी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा हिस्सा निकाल दिया है। और अब हम बनाते हैं मठरी। इसके लिए ये 3 लंबी हम ये पट्टियाँ उठाएंगे, और ये देखिए, इसको इस तरह से हमें रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे, और ये इसको हम इस तरह से गोल एक फूल का आकार दे देंगे, गोल बनाते हुए अच्छी तरह से दबाते हुए। और इसके हिस्से ये स्केल को अच्छे से हम दबा देंगे, ताकि तलते समय ये खुले नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं आपको एक और बता देती हूँ। ये हमने 3 पार्ट लिए, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें दोनों साइड इसी तरह से रोल करना है। और ये देखिए, इसको हम फूल की तरह एक गोल आकार दे देंगे, और अच्छी तरह से हम इसे लॉक कर देंगे, ये चिपका देंगे, ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हम सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, कितनी बढ़िया हमारी मठरी में डिज़ाइन आई है।
और ये देखिए मैंने इसी तरह से सारी मछलियाँ बना के रख ली हैं और इसे हमें 10 मिनट के बाद इसी तरह से खुला रखना है ताकि इसमें हवा लग जाए। ये मैंने तेल भी गर्म करने रख दिया है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम मछलियाँ तलेंगे, इसको हमें डालते समय थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए डालना है। गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे और एक एक करके हम सारी मछलियाँ डालेंगे और मछलियों को हम जितना लो फ्लेम पर तलेंगे मछलियाँ हमारी उतनी ही खस्ता बनेंगी और अंदर तक अच्छी तरह से सिकेंगी। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है और बीच बीच में हम एडजस्ट भी करते रहेंगे। ये देखिए हमारी मठरी में कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये बहुत ही अच्छी सिक कर तैयार हुई है, एकदम खस्ता और बहुत ही अच्छी परफेक्ट हमारी ये मठरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। और ये लीजिए टेस्टी खस्ता ट्विस्टीज मठरी बनकर तैयार है। इस पर मैंने ये चाट मसाला डाल दिया है, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए बहुत ही खस्ता और टेस्टी मठरी बनकर तैयार हुई है। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है यकीन मानिए खाने में तो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। आप इन्हें 8 से 10 दिन तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यदि आप इन मठरियों का स्वाद बिना घर पर बनाए भी लेना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।